तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि एनिमेशन वीडियो बिल्कुल फ्री में कैसे बनाते हैं, वो भी अपनी मोबाइल की मदद से। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। लिए दोस्तों हम चलेंगे क्रोम ब्राउजर पे, और क्रोम ब्राउजर पे हम खोल लेंगे एक नया टैब। हम यहाँ से कर लेते हैं एक नया टैब ओपन, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एडोब एनिमेशन फॉर यूट्यूब फ्री। तो एडोबी का जो एनिमेशन फॉर यूट्यूब फ्री, ये सर्च कर लेना है। और सर्च करते ही जो पहली साइट आएगी खुल के, ऐसे बहुत सारे आपको YouTube वीडियो देखेंगे, पर आपको पहले साइट पर टैप करना है मैक एनिमेशंस फॉर YouTube फॉर फ्री। इसको खोल लेना है आपने, और खोल के आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैक एनिमेशंस फॉर फ्री, और यहाँ ये भी दिया है कि कोई क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है और ये हमेशा फ्री यूज रहेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली इस वाले आइकन पर टैप कर देना है मैक एनिमेशंस फॉर यूट्यूब। इतना करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और आपको इस वाले आइकन पे, जो यहाँ पे आइकन दिख रहा है, उस आइकन पे जाके आपको लॉगिन कर लेना है अपने जीमेल आईडी से। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो अब मैं चलता हूँ सीधे वीडियो की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेक्टर हमारा दिख रहा है, ये हमारा कैरेक्टर है। इसको हम अपनी उंगलियों से ड्रैग कर सकते हैं इधर उधर, और यहाँ साइड पे करके इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ फिलहाल। उसके बाद आप यहाँ कैटेगरी देख सकते हैं, किस कैटेगरी की चाहिए आपको। ह्यूमन चाहिए, क्रिएचर चाहिए, फूड चाहिए, इमोजी चाहिए, एनिमल चाहिए। आप एनिमल पर क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे एनिमल कैरेक्टर आप देखने मिलेंगे, जो काफ़ी क्यूट भी लग रहे हैं। जैसे ये बैसिल, ये भी काफ़ी क्यूट लग रहा है। बहुत सारे हैं, ये फिन है। फिर से आप एनिमल पे ये सेलेक्ट करोगे और क्रिएचर्स पे जाओगे, तो आपको ये सारे क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। ये स्टीव, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। तो फिलहाल के लिए मैं स्टीव को लेके वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, ये साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड पर टैप करना है, और यहाँ पर आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखो, हॉट डॉग स्टैंड के बाहर खड़ा है, ये बैकग्राउंड है। ये है डगआउट, समर, काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड है। जैसे ये बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। स्प्रिंग, ये पार्क का बैकग्राउंड है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ताकि ये देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। हाँ, तो देख सकते हो ये मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। साइज पर जाके आप अपना साइज सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किसके लिए बना रहे हो, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। तो अपन यहाँ फेसबुक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। तो अपन यूट्यूब पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जैसे यूट्यूब सेलेक्ट करोगे तो ये लैंडस्केप में आ जाएगा। और देखो, ये काफ़ी क्यूट लग रहा है। और हम इसके साइज़ को फिर से थोड़ा बड़ा कर देंगे, ताकि ये थोड़ा अच्छे से मैच हो जाए, मर्ज हो जाए। हाँ, तो ये अब आपकी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और हम फिर से चलेंगे कैरेक्टर पे, स्केल पे आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस है। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद आप नीचे जाओगे थोड़ा सा, यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर ऑडियो को अपलोड कर सकते हो। हमारा करेक्टर रेडी हो जाता है, तो उसके बाद हम ज़रा सा नीचे जाएंगे, और नीचे जाके यहाँ पे हम रिकॉर्ड बटन पे टैप करके अपनी वॉइस को यहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर आपने पहले से रिकॉर्ड कर रखा है तो अपलोड ऑडियो पे जाएंगे, और यहाँ से अपना फाइल से जो हमने ऑडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम फाइल को खोलते हैं, और यहाँ से अपने हम ऑडियो को ढूंढेंगे, हमारा ऑडियो कहाँ पर है। तो ऐसे कई सारे ऑडियो हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी एक ऑडियो ले लेते हैं। और अब ये ऑडियो को अपलोड कर रहा है, ये प्रोसेस करने में एक मिनट से भी कम समय लगता है। जनरली एक मिनट ही लगता है, या उससे कम भी लगता है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए 36% हो गया है, और ये 57% भी हो गया है। और देखिए, ये लगभग कंप्लीट होने वाला है, और एक मिनट भी नहीं लगा है, काफ़ी कम टाइम में ये कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको अभी हम प्ले कर लेते हैं। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। तो ये देखा आपने, कितने अच्छे से इसने लिपस्टिक भी कर दिया है। और अब आप इसे शेयर पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को, आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो हमारा अच्छे से एडिट हो चुका है, और आप शेयर पर क्लिक करके इस वीडियो को कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह के जो वीडियो बनाना है काफ़ी आसान है, और एडोबी की तरफ से आया है, और काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस तरह के एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, रील्स बना सकते हो, इंस्टा के लिए आप कहीं भी से अपलोड कर सकते हो। कोई क्लेम नहीं आएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह की वीडियोज बनाओ, और अपना चैनल ग्रो करो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए बाय बाय।